चुक्की को? स्कूल से आते आते तो बिल्कुल ठीक थी, क्या हुआ? कल मारा जन्मदिन है, मुझे भी केक काटना है। तुझे केक काटना है ना, मैं लाके दूंगी। बस थोड़ी बकत की तो बात है, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी ना तो ढेर सारा पैसा कमाऊंगी, बहुत बड़ा घर लूंगी जिसमें तू, मैं और अम्मा रहेंगे, ढेर सारे नौकर रखूंगी, माँ को काम भी नहीं करने दूंगी। काम चोरी करना, दिन में सपने देखना, और कोई काम ना आवे तन्ने? हाँ, कितनी बार कहा है तन्ने ये फालतू की बातें छोड़ दे, और तू है कि इसे भी बेकार रही है, घर के काम का सीख तू। अब ज्यादा बकत ना है तुझे इस घर से जाने में, वहां जाके नाक कटाएगी के? क्या माँ, तू भी ना, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं तेरे साथ ही रहूंगी, मैं बड़े होके ना खूब पैसे कमाऊंगी, मैं तेरे और गौरी के साथ ही रहूंगी। एक खींच के दूंगी ना तो मुंह टूट जाएगा तेरा, कल से ये स्कूल जाना बंद, घर के काम का सीख तू, और ये सतरंगी सपने देखना छोड़ दे तू। एक बच्चे की नजर में ये दुनिया बहुत खूबसूरत होती है और जिंदगी बहुत खुशनुमा, हर सपना चाहे वो हकीकत से कितना भी परे क्यों ना हो सच लगता है। जिंदगी को लेकर ये नजरिया, ये सपने ही होते हैं जो बच्चे की जिंदगी को मायने देते हैं। ये हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने बच्चों के सपनों और जिंदगी को लेकर उनके इस आशावादी नजरिए की रक्षा करें, उन्हें उस तरीके और उस रफ्तार से आगे बढ़ने दें जो कुदरत ने उनके लिए तय की है। हरियाणा के एक छोटे से गांव सिहरी में रहने वाली इस मासूम बच्ची का एक ही सपना था कि वो बड़े होकर ढेर सारा पैसा कमाए और अपनी माँ और छोटी बहन को एक बेहतर और आरामदायक जिंदगी दे पाए। लेकिन मासूम सुमन की आंखों से इस सपने को छीन कर उनमें खून के आंसू भर दिए गए। सुमन के साथ कुछ ऐसा हुआ जो उसके सपनों से बिल्कुल उलट था। पैसे 1 लाख में खाली 10,000 कम है। मैंने कब मांगे पैसे? ऐसा मत कहिए, देखिए आप ही ने तो कहा था माने कि मैं 1 लाख रुपए ला के दूंगी, तुम्हारी चोरी से मिलने देंगे, तुम्हारी बात का यकीन करो, जो 10,000 कम है वो मैं जल्दी ही ला कर दूंगी। हाँ बावड़ी हो गई के, 1 महीना पहले अपनी चोरी को अपने साथ लाना लिखी तू, जब वो यहाँ आई नहीं तो किससे मिलवाए तेरे को? ये कैसी बात करो आप, मारी छोरी अट्टे से, मारी छोरी से मलना है माने? ऐसे ना मानेगी तू, अरे चोट्टा पकड़ के गांव से बाहर फेंकी से, ऐसे ना मानेगी, जाओ जाओ तुम्हारे से मलना, जाओ मारी तुम्हारे से मलना, जाओ मारी बात, जाओ। मने लागे तन्ने अपने गांव के थाने में रिपोर्ट लिखानी चाहिए, सीरी गांव है ना तेरा? उसको ले जाने के 8 दिन बाद में उसे वापस उसके ससुराल छोड़ आई थी साहब, वो तो जाना भी नहीं चाहती थी साहब, मैं फिर भी उसे जबरदस्ती वहां लेकर गई थी। माँ मन्ने यहाँ से ले चल, माँ नहीं आना चो। तेरा दिमाग घास चने गया है के? हाँ बावली हो गई तू, ये तेरा ससुराल है, तेरा असली घर, और तुझे तेरी पूरी जिंदगी यही गुजारनी है। माँ डरूंगी तो जिंदगी गुजारूंगी ना, माँ तू देख लेना, अगर मैंने यहाँ छोड़ दिया ना तुम्हारा मुँह वापस कभी ना देख पाएगी। ये क्या अनाप शनाप बोले है तू? हाँ देख मैं कुंडी खटकाड़ी हूँ, हाँ चल के सबके सामने माफी मांग लेना, सब ठीक हो जावे। नहीं माँ, माँ माँ नहीं, माँ 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 कौन है भाई तू, क्या करना आई है? राम राम जी। क्या करना आई है यहाँ? चल ये देखो महारानी भी आई है, मैंने इसे खूब समझाया, अब कभी पलट के जवाब ना देगी ये, बस इस बारे से माफ कर दो। माफी? इसको देख के तो ना लग रहा है ये माफी मांगेगी। ले जा अपनी छोरी, ने जा यहां से निकल, मांगेगी माफी। अरे चलो माफी मांग, जल्दी मांगी, मांग माफी, मन्ने माफ कर दो। उसने मन्ने कहा था साहब अगर मैं उसे वहां छोड़ आई तो फिर उसकी शक्ल कभी ना देख पाऊंगी साहब, मने केक पता था कि ये सब हो जावेगा। आइए साहब आइए आइए, अब पानी वानी कुछ लेंगे, चाय वाय कुछ? हरिया की माँ, अरे अरे पानी वाने का इंतजाम कर साहब आए। ना ना की कोई जरूरत ना, से सुमन की माँ का कहना है कि आप लोगों का बर्ताव उसके लिए ठीक ना था, नौकरों की तरह काम कराने के साथ साथ मारा भी करते थे उसने।
ना जाने कितने झूठ बोलेगी वो चुड़ैल। ऊपर वाले की कसम है साहब, जो मैंने उससे एक चम्मच भी घर में इधर से इधर कराया हो। साहब, संस्कार, मान मर्यादा, बड़ों का आदर करने के चक्कर में हम अपनी जान दे देते हैं। बस इसी बात की हमने भी उससे दरकार की थी, मगर साहब वो तो बिल्कुल उल्टी निकली। बात बात पे झगड़ा करना, बड़ों को जवाब देना, बिना पर्दा किया हमारे सामने इधर उधर घूमती थी। अरे ओ बहू, क्या बात है ताऊ जी, क्यों गला फाड़ रहे हो आप? अरे बेटा, वो सर में दर्द हो रहा है, कब चाय बना दे। टाइम ना है मेरे पास, वैसे भी मुझे बाहर जाना है। बहू, तो यो चल रहा है जरूरी काम? मतलब उसका चक्कर चल रहा था साहब जी। किसके साथ? कोई एक होवे तो बताओ। पूरे गांव में जो भी सामने पड़ जावे उसी के साथ शुरू हो जावे थी वो। मन ने तो लागे किसी के साथ भाग गई वो, और बदनामी के डर से उसकी माँ हमारे परिवार पे इल्जाम लगा रही होगी। उन्नीस साल की छोटी और कच्ची उम्र में सुमन की माँ ने उसकी मर्जी के खिलाफ उसकी शादी कर दी और उसे ससुराल भेज दिया। लेकिन अब वो अपने ससुराल में नहीं थी। उसके ससुराल वालों का कहना था कि सुमन की माँ खुद उसे अपने साथ ले गई थी, जबकि सुमन की माँ लगातार एक ही बात कहे चले जा रही थी कि उसने खुद सुमन को उसके ससुराल के दरवाजे पर छोड़ा था और उसके बाद उसने उसकी शक्ल तक नहीं देखी। कौन सच बोल रहा था और कौन झूठ, कहना मुश्किल था। शक की सुई सुमन के ससुराल वालों की तरफ भी उतना ही इशारा कर रही थी जितने की उसकी अपनी माँ की तरफ। आखिर क्या हुआ था सुमन के साथ? मक्कार लोग है वो लोग, साफ साफ झूठ बोले साहब। हमारी बात का यकीन करो साहब। तेरी बात का यकीन करके तो हम गए थे ना वहां। बाजवा, दोबारा देख ले ये फोटो। ये तेरी छोरी? हाँ साहब, अपनी छोरी को ना पहचानूंगी मैं, यही तो है हमारी सुमन। अगर यो सुमन है तो ये तो वहां नहीं है। सारे घर की तलाशी ली हमने और वहां तो सभी लोगों का यही कहना है कि एक महीने पहले तू खुद ही अपनी छोरी ने ले गई थी। साहब, छोरी तो यहां भी ना है। देखा साहब, हमारी बात का यकीन करो, हमारी छोरी उन लोगों के पास है साहब। हमारी छोरी को ढूंढ लाओ साहब। इसकी छोरी की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करो। जी साहब। ना खतरनाक खेल खेलन लाग रही से तू, तेरा भाई हूँ इस मारे समझा रहा हूँ, ना कर, सब कुछ बर्बाद हो जावेगा। ये सोच कर ना दी थी मारी छोरी उन लोगों को कि एक दिन मने ऐसे आग दिखावेंगे वो लोग। तो क्या छोरी के घर में बिठा के रखेगी के? क्यों बैठेगी, जवान से खूबसूरत से लाइन लग जावेगी छोरों की। तने जितना कह हूँ उतना तू कर, बाकी सब मुझ पे छोड़ तू। ठीक से तेरा जो भी फैसला होगा, सही गलत, तारा साथ दूंगा, भाई हूं तारा। पुलिस ने सुमन को ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। और उसके गायब होने के 4 महीने बाद, जब उसके मिलने की हर उम्मीद ना उम्मीदी में बदल चुकी थी, अचानक वो दिखाई दी। वैसे जाना किधर को है साहब? पेंडर रिक्लेमेशन। साहब जी, मैडम, मैं साहब, अरे भाई साहब कहाँ गए? अरे भाई साहब कहाँ गए? अरे क्या दोस्त, अरे क्या मतलब, मतलब मतलब भाई भाई मैंने आज तक अपने करियर में ऐसा केस नहीं देखा। उसकी पूरी बॉडी मार्क्स एंड स्कार्स से भरी पड़ी है। कुछ मारने से लगी चोट के निशान है, कुछ गर्म रॉड से जलाने के निशान, तो कुछ चाकू से काटने के या ब्लेड से काटने के निशान। उसकी 2 उंगलियां फ्रैक्चर है। That means, उसे काफी लंबे समय से टॉर्चर किया जा रहा था। टॉर्चर तो बहुत छोटा शब्द होगा, उसके हाथों में कई जगह निडल्स के निशान मिले हैं, जिससे साफ पता चलता है कि उसकी बॉडी से कई बार ब्लड निकाला जा चुका है।
उसकी राइट किडनी भी मिसिंग है। उसके स्ट्रेचेस देखकर लगता है ये सारा प्रोसीजर बहुत जल्दबाजी में किया गया, शायद उसको बिना बताए। उसके प्राइवेट पार्ट्स में भी इंटरनल इंजरीज और इन्फेक्शन है। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ, इतना सब कुछ सहने के बाद भी वो लड़की जिंदा कैसे है? आप बता सकते हैं कि ये सब उसके साथ कब हुआ होगा? आई मीन एक अंदाज़ा। मुझे लगता है उसके साथ ये सब 5-6 महीने पहले से होना शुरू हुआ होगा। थैंक यू। हरियाणा के गरसा गांव से एक नवविवाहित युवती का अचानक लापता हो जाना और लापता होने के लगभग 4 महीने के बाद अपने गांव से तकरीबन 1000 किलोमीटर दूर मुंबई शहर में पाया जाना, ये किसी मुश्किल पहेली से कम नहीं था। ऊपर से उसके शरीर के बाहर और भीतर लगी चोटें, उसकी गायब किडनी और उसे दी गई यातनाएं इस पहेली को और मुश्किल बना रही थी। अपनी अकेली जिंदगी में पहले उस लड़के को कभी नहीं देखा साहब। वो बांद्रा टर्मिनल से मेरे ऑटो में बैठे थे दोनों, लेकिन लड़का पता नहीं कहां उतर गया, पता ही नहीं चला साहब। बस इसके अलावा मेरे को कुछ नहीं पता साहब। पुलिस को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? खाली पकड़ किसी लपड़े में नहीं पड़ना चाहता था साहब, बस यही सोच के भाग रहा था सर। बस इतना ही है, ये कपड़े चप्पल सर, ना कोई वॉलेट है ना कोई आईडी। इन कपड़ों को देख के लगता है कि नए खरीदे गए। और कुछ? हमने बैंडा टर्मिनल से पूछताछ की सर, ऑटो वाला सच बोल रहा है। वो लड़की और उसके साथ एक लड़का दोनों उसी के ऑटो में बैठे थे और वो ऑटो वाला भी 1 घंटे पहले से टर्मिनल पर मौजूद था अपने सवारी के इंतजार में। सर वहाँ के ट्रैफिक हवलदार ने भी कंफर्म किया है और वहाँ के सीसीटीवी फुटेज में भी यही दिखाई दे रहा है। स्टेशन के अंदर का फुटेज चेक किया कि वो लड़का लड़की कौन सी ट्रेन से आए? जी सर चेक किया, पर कुछ मिला नहीं। लेकिन सर जिस वक्त उस ऑटो वाले ने उन्हें वहाँ से लिया था, उसके 15 मिनट पहले ही सूरत बैंड्रा इंटरसिटी एक्सप्रेस आती है सर। हो सकता है कि वो दोनों उसी में आए हों। दिखने से तो वो लड़की यहाँ की नहीं लगती, हो सकता है वो लड़का ही उसे यहाँ लेके आया हो। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, वो उसे इस हालत में लेके क्यों आया? शिंदे हमें उस लड़के को ढूंढना होगा, पता करो उसका स्केच तैयार हुआ कि नहीं। यस सर। शिंदे इस बार कोड से हमें पता चल सकता है कि कहां से खरीदी गई और किसने खरीदी, पता करो। यस सर। नहीं सर, इसे कभी यहाँ पर नहीं देखा है। और इस लड़की को? नो सर। इसे तो पहचानते होगे? यस सर, ये हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा बिकने वाला डिज़ाइन है। इसे किसने खरीदा था बता सकते हो? सर जस्ट मिनट। सर इसका पेमेंट तो क्रेडिट कार्ड से हुआ था, वो भी किसी महेश प्रभु के क्रेडिट कार्ड से। इसे देखा है पहले कभी? हाँ, एक ऐसा ही पेयर मैंने कुछ दिनों पहले खरीदा था। लेकिन ये सब आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? ऐसा ही नहीं, यही खरीदा था। अब ये बताओ किसके लिए? जी अपनी वाइफ के लिए, और किसके लिए खरीदूंगा? अगर वाइफ के लिए खरीदा था तो फिर ऑटो में सफर करती एक हाफ डेड लड़की के पास कैसे पहुंचा? लड़की? कौन सी लड़की? सर मुझे नहीं पता ये सब कैसे वहाँ पर। सर उस दिन मैंने बहुत सारी शॉपिंग करी थी, बहुत सारे बैग्स थे मेरे पास, हो सकता है गाड़ी में रखते वक्त या निकालते वक्त कहीं गिर गई होगी। सर इस प्रभु का और एक नंबर मिला है जिससे पिछले 2 हफ्तों में सूरत के एक नंबर पर काफ़ी बातचीत हुई है। सूरत जहाँ से वो लड़का शायद उस लड़की को लेकर आया था। झूठ बोला तूने हमसे कि तेरा सूरत से कोई कनेक्शन नहीं है। कनेक्शन नहीं है तो वहां कॉल क्यों करता था तू? बोल। सर बताता हूं मैं, सर सूरत में मेरी एक गर्लफ्रेंड है, उस दिन मैंने उसी के लिए सारी शॉपिंग की थी और वो चप्पल भी मैंने उसी दिन खरीदी थी। लेकिन सर जिस लड़की की तस्वीर आपने मुझे दिखाई है उसे तो मैं बिल्कुल भी नहीं जानता, और मैं ट्रेन से तो गया ही नहीं सर, मैं अपनी कार में गया था। सारे शॉपिंग बैग्स के साथ वो चप्पलों का बैग भी उसी के अंदर रखा था। मुझे नहीं पता सर वो कब गिर गया और कहाँ गिर गया। किसके साथ गया था? अकेला गया था? मैं और मेरा ड्राइवर। इसे वो स्केच दिखाओ। सर ये तो मेरा ड्राइवर है चंदू। सर चंदू के मोबाइल की लास्ट नोन लोकेशन सूरत ही है, कोई सपना लॉज में ठहरा था लगता है। सर वो जिस दिन प्रभु को लेकर सूरत से लौटा उसके अगले ही दिन फिर से वो सूरत गया और उसके बाद मोबाइल बंद करके गायब हो गया। सपना लॉज, इसका मतलब ये होगा कि जब चंदू प्रभु के साथ सूरत गया था तब उसने उस लड़की को देखा
लेकिन क्योंकि उसका मालिक उसके साथ था इसलिए वो कुछ कर नहीं पाया। इसलिए प्रभु को वापस मुंबई छोड़कर वापस सूरत गया और अगले दिन उस लड़की को ट्रेन से मुंबई लेके आया। इसका मतलब यह है कि इस केस की अगली कड़ी हमें सूरत से मिलेगी। जी हाँ सर, मैं इसे जानता हूँ, लेकिन सुबह वो तैयार होकर गया और उसके बाद फिर लौट कर आया नहीं। अकेले आया था या उसके साथ कोई था? सर अकेले ही आया था वो। और इस लड़की को देखा? इसे तो मैं रोज देखता हूँ सर। कहाँ? ये GTO जंक्शन है ना, वहां पर बैठ के भीख मांगती है। थैंक यू। लड़की को पहचानती हो? नहीं जानती साहब, मैं इसको नहीं मालूम थी। नहीं सर। काकी है तो सुमन दीदी। बेटा कौन है ये? ये सुमन दीदी है, बहुत अच्छी है। मैंने कुछ भी नहीं किया है सर। सर ये भिखारियों का गैंग चलाती है, इसको लोग मीता बहन के नाम से बुलाते हैं। और सर इस बच्चे को ये बताती है कि इसकी बहन का बेटा है। जब मैंने इसको फोटो दिखाया तो इस बच्चे ने बोला कि सुमन दीदी का फोटो है। सुमन? जी। कौन है सुमन? मैं नहीं जानती साहब, मेरे को कैसे पता होगा। तो फिर इस बच्चे ने फोटो देख के ये क्यों कहा कि ये सुमन की फोटो है? अब गलती से किसी और को समझ गया होगा साहब, अब बच्चा ही तो है। पर तुझे क्या लगता है, तू बहुत होशियार है, तू जो कहेगी हम मान लेंगे। अब सीधा सीधा बता दे, वरना तेरी ये होशियारी बहुत महंगी पड़ेगी तुझे। साहब मैंने पहले ही बोला है, मैंने छोकरे को पहले कभी नहीं देखा साहब। ठीक है गीता। अरे साहब उस साचू को जो मना थोड़ी थी छोकरी ने। अरे साहब सुनो ना, मैंने कुछ नहीं किया है, मैं नहीं जानती इसको साहब। कुछ याद आया? हाँ साहब, मैं बताती हूँ साहब। चल बोल, कैसे जानती थी उस लड़की को? सर वो राजस्थान से, हरियाणा से, कहीं से तो था। वो आदमी लेकर आया था उसको मेरे पास। इसकी तो पहले से ही बैंड बजी पड़ी है, भीख अच्छी मिलेगी। इधर आओ और बांध दे इन सबके साथ। और हाँ कल बड़े चौराहे पे बिठा देना इसको और नजर रखना इस पे, समझे? तुम आओ मेरे साथ। शुरुआत में एक आध बार उसने भागने की कोशिश भी की। मैंने अच्छे तरह समझाया था ना कि मुझे कोई भी तमाशा नहीं चाहिए। लेकिन रुक, अब तुझे मैं समझाती हूँ, जिसे तो जिंदगी भर भूल नहीं पाएगी। ए पकड़ इसे, तू रुक अभी। छोड़ो, छोड़ो मुझे, मुझे जा रहा। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। इसे पहचानती हो? हाँ साहब, कुछ दिन पहले पहली बार मैंने उसको देखा था सुमन के साथ। ए सुमन, सुमन कहाँ ले जा रहे मेरी छोकरी को? छोड़ ना, ए छोड़ मेरी छोकरी को, नहीं तो मैं तेरी तो जानता मार दूंगा। आ गई तो किसको दिखा रहे तू? छोड़। वो सुमन को अपने साथ लेके चला गया। सर हो सकता है कि चंदू किसी मुंबई के भिखारी गैंग के टच में हो और सुमन को यहाँ से वहाँ बेचने के लिए ले गया हो भी सकता है। अब पता नहीं उस लड़की का असली नाम सुमन था भी या नहीं। फिर भी राजस्थान और हरियाणा पुलिस से कहो कि पिछले एक साल में जितनी भी मिसिंग कंप्लेंट्स दर्ज हुई हैं उन्हें चेक करें और उसमें सुमन की एज और नाम वाली जितनी भी लड़कियां अभी भी मिसिंग हैं उनके बारे में पता लगाएं। और इन दोनों स्टेट्स में पिछले 6 महीने में जितने भी किडनी ट्रांसप्लांट्स हुए हैं सबका रिकॉर्ड निकालो। यस सर। पुलिस ये तो जान चुकी थी कि सुमन को सूरत के उस गैंग को बेचा गया था जो बच्चों से भीख मंगवाने का काम करते थे, लेकिन वो ये नहीं पता कर पा रही थी कि आखिर सुमन सूरत पहुंची कैसे होगी। डॉक्टर्स द्वारा की गई सुमन की जांच से ये बात साफ हो चुकी थी कि उसके बदन से गायब हुई किडनी को उसके सूरत पहुंचने से पहले ही कभी निकाला गया होगा।
ये साफ था कि सूरत पहुंचने से काफी पहले उसके साथ इन जुल्मों की शुरुआत हो चुकी थी। सुमन को इंसाफ और उसके गुनहगारों को सजा दिलवाने के लिए जिस एक सवाल का जवाब ढूंढना बेहद जरूरी था वो ये था कि उसके इन मुश्किलों में पड़ने और उसके साथ हुए इन अमानवीय अत्याचारों का सिलसिला आखिर शुरू कहां से हुआ था। गौरी, गौरी, ए गौरी, गौरी चलना नहीं क्या? जिज्जी, जिज्जी, इब तक सोते पड़ी है छोड़ी, अरे पोछते पोछते रात हो जाएगी, इस काम में देरी ना चाले। देर ना होगी, तू बस दो मिनट रुक, मैं अभी उसे तैयार करके लाती हूँ। गौरी, ए गौरी, उठ, जल्दी उठ, जल्दी उठ। कहाँ जा रहा है माँ? देर हो रही है, उठ। अरे मन्ने नींद आ रही है माँ। चल मारे। जल्दी जल्दी। कहाँ जाना है? चल। ये ले। सोने भी नहीं देते आप। ये कपड़े पहन। जाना है। बस दो मिनट रुक। माँ, इतने अच्छे कपड़े पहन के कहाँ जाना है मन्ने? ले, हो गई तैयार। ले जाए इसे। मस्त लग रही है। चल। जा। वहां जाके एकदम अच्छे से रहना। सर, एक न्यूज है, शायद हमारे काम की हो। किडनी ट्रांसप्लांट के रिकॉर्ड चेक करने के बाद ऐसे रिसिपिएंट का नाम पता चला जिसे सर ट्रांसप्लांट के बाद ठीक वही इन्फेक्शन हुआ था जो सुमन को था। और इसके अलावा सर, ट्रांसप्लांट के लिए जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी की जानी चाहिए थी वो भी ठीक से पूरी नहीं की गई थी। कहाँ हुआ था ये ऑपरेशन? रोहतक में। रोहतक, हरियाणा? मीता ने भी हमें यही कहा था। सर वो राजस्थान से या हरियाणा से, कहीं से तो थी। यानी रोहतक से सूरत, सूरत से मुंबई, काफी लंबी जर्नी तय की है इस लड़की ने। और लगता है उसे यहाँ तक पहुंचाने में एक नहीं कई लोगों का हाथ है। अब सीधे सीधे बताएंगे क्या हुआ था, कैसे हुआ था, या फिर हम अपने तरीके से पूछें? एक आदमी उसे लेकर आता था, उसका नाम राम रमेश। मैंने पहले उस लड़के की किडनी लेने से मना कर दिया था क्योंकि वो एनेमिक थी, मैं आगे से पैसे ले चुका था और दूसरी कोई किडनी मिल नहीं रही थी, इसलिए। ले चलो इसे। सर, डॉक्टर ने राम नरेश का जो नंबर दिया था उसके बारे में पता किया सर। सुमन के ऑपरेशन के वक्त वो सेक्टर 3 में ही एक्टिव था, लेकिन उसके बाद से बंद रहा है। और सर, जिन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर इस नंबर को इशू किया गया है, ऐसे आदमी के नाम पर लिया गया है जो काफी साल पहले मर चुका है। मतलब ये हुआ कि राम नरेश तक पहुंचने का फिलहाल हमारे पास कोई क्लू नहीं है। शिंदे, लोकल पुलिस के साथ एक टीम बनाओ और सेक्टर 3 में सुमन के बारे में पूछताछ करो। और ध्यान रहे, हर एक आदमी के पास सुमन की फोटो होनी चाहिए। यस सर। जनाब, हमें सुमन के घर वालों का पता चल गया। उसका पूरा नाम सुमन हरपाल बनीवाल से। उसकी माँ ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट कुछ 4 महीने पहले अपने गांव घरसा के कोतवाली में लिखवाई थी। घरसा? अगर इस लड़की की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हुई थी तो आपने इसकी फोटो स्टेट के बाकी थानों में और न्यूज़पेपर में क्यों नहीं दी? जी साहब, हमने आसपास के थाने में दी थी फोटो, पर तफ्तीश के बाद पता चला कि उस छोरी का कैरेक्टर कुछ ठीक ना था और मनने लगा कि सर वो कहीं भाज भी होगी। और आजकल का सर आपने पता है कि हवा आजकल खराब सी चल रही है। आप तो मौसम विज्ञानी लगते हैं, तो मौसम विभाग में भर्ती क्यों नहीं हुए? पुलिस डिपार्टमेंट में क्या कर रहे हैं? हमारा काम सामने नजर आ रही संभावना को देख के केस को सॉल्व करना है, ना कि आराम से बैठ के हवा का रुख देखना। और आपने लीगल प्रोसीजर भी फॉलो नहीं किया। सॉरी जनाब, गलती होगी हमारे से। अब क्योंकि वो लड़की मुंबई में मिली है, इस केस को हमारी टीम इन्वेस्टिगेट करेगी। जी जनाब, हमारा पूरा पूरा सहयोग रहेगा आपको। बहुत बहुत शुक्रिया। अब एक काम कीजिए, सुमन के घर वालों को उसकी खबर भिजवाइए। जी साहब। अगर सुमन के गायब होने की खबर मिलते ही हरियाणा पुलिस ने हर तथ्य को पूरी तरह से खंगाला होता, हर उस प्रक्रिया को पूरा किया होता जिसे पूरा करना ऐसे मिसिंग केसेस में बहुत जरूरी होता है, तो शायद सुमन को ऐसी हालत में पहुंचने से काफी पहले बचाया जा सकता था। लेकिन इस घटना को काफी वक्त बीत चुका था और समय की धूल ने कई निशान छिपा दिए थे। इसके अलावा जांच का दायरा हरियाणा, गुजरात और महाराष्ट्र, 3-3 राज्यों में फैल चुका था, इसलिए पुलिस के लिए इस मामले को आगे बढ़ा पाना उतना भी आसान नहीं था। हम
फातिमा जी मैंने डॉक्टर से बात की, डॉक्टर क्या आप इस आदमी को जानती हैं? हाँ साहब, यो तुम्हारे गांव को छोरो चंदू है। स्कूल के वक्त मारे छोरी के पाचे पाचे था। स्कूल के वक्त? हाँ साहब, जब मारी सुमन का ब्याह हुआ तब ये गांव छोड़कर चला गया, उसके बाद मैंने कभी देखा नहीं साहब। लेकिन आपने तो अपने गांव में जो कंप्लेंट लिखवाई थी उसमें कहा था कि आपकी बेटी के ससुराल वालों ने आपसे 1,00,000 रुपए मांगे हैं। किसलिए मांगे थे वो रुपए? दहेज? उन्होंने मेरे सामने शर्त रखी। चोरी से मिलना चाहती है? हाँ। 1,00,000 रुपए लिया, मिल ले अपनी चोरी से। साहब मैं गरीब लेकर गई। मैंने कब मांगे पैसे? आप ही ने तो कहा था माने कि मैं 1,00,000 रुपए ला के दूंगी, तुम्हारी छोरी से मिलने देंगे। तुम्हारी बात का यकीन करो, जो 10,000 कम है वो मैं जल्दी ही ला कर दूंगी, बाकी का इंतजाम करते। उन्होंने मारी छोरी को टुकड़ों टुकड़ों में बांट दिया, जैसे कोई जमीन का टुकड़ा, थोड़ा आज थोड़ा कल। काफी जमीन हुआ करती थी कभी तुम्हारी, लेकिन अब सब बिक चुकी है, यानी कि घर में पैसे को लेकर हालात खराब ही रहते होंगे, इसलिए शायद सुमन और उसकी माँ को पैसों को लेकर काफी परेशान करते थे तुम। माँ झूठ बोल रही जनाब, मैंने कोई पैसा नहीं लिया उससे, उल्टा उसी ने जीना हराम कर रखा था हमारा। कैसे? साहब चोरी का करेक्टर जरा ढीला था, अब गांव के जितने भी चोरे हैं ना सबके साथ चक्कर पीट कर रखा था उसने। बहू तो यो चल रहा है जरूरी काम? पक्की तरह से तो ना कह सकूं, पर मैंने तो लगा कि उनमें से किसी एक चोरे के साथ भाग गई हो, तभी नरक में भी जगह ना मिलेगी साहब उस आदमी ने। ब्याह के पहले मारी छोरी ने किसी की तरफ आंख उठा के ना देखा है, तो ब्याह के बाद ऐसी गंदगी क्यों फैलाएगी वाह? हमें फंसाने के खातिर रुपयों से भरा हुआ थैला लेके हमारे घर पहुंच गई, पर सर मजाल कि हमने इससे रुपयों से भरे हुए थैले को हाथ भी लगाया। एक बात मुझे आज तक समझ में ना आई कि इतने सारे रुपये कमला के पास एक साथ आए कहां से? जो पूछा उसका जवाब दो कमला, 90,000 तुम्हारे लिए बहुत बड़ी रकम थी, और इतनी बड़ी रकम का इंतजाम तुमने कैसे और कहां से किया? इंदर से उधार लिए थे मैंने। इंदर? तुम्हारा भाई? तेरा बैंक अकाउंट चेक किया हमने, जिसमें कभी 40 या 50,000 से ज्यादा होते ही नहीं, तो फिर अपनी बहन को 90,000 रुपए कहां से दिए तुमने? 90,000 रुपए अपनी बहन को कहां से दिए? भांजी है ना हमारी, तो उसके लिए कुछ तो करना पड़े, तो मैंने अपनी जमीन बेच दी। जमीन बेच दी? हाँ। पर तूने अपनी जमीन 2012 में बेची, ये उसका सबूत है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सुमन तेरे ही पास थी और तूने उसकी किडनी बेच के पैसे अपनी बहन को दे दिए? यो को बकवास करो साहब। तमीज से अगर दोबारा बदतमीजी की ना मुंह खोलने के लायक बचेगा ना बोलने के लायक। तुझे क्या लगता है तू जो बोलेगा हम मान लेंगे? तेरा असली धंधा पार्टियों में लड़कियां नचाने का है ना, है ना? आप जानती हैं आपका भाई क्या करता है? मैं तो बस इतना ही जानूं साहब कि वो अपना परिवार पालता है। सुमन के साथ कैसा रिश्ता था उसका? जैसा एक बाप बेटी का हुआ है साहब, अपनी बेटी से भी बढ़कर मानता था वो उसे। जब ताऊ ने पैसे मांगे तब इंदर ने साहूकार से उधार लिए थे। लेकिन ताऊ ने तो पैसे लिए ही नहीं। इसीलिए तो जब इंदर साहूकार को पैसे लौटाने गया था तो साहूकार ने बिना ब्याज के पैसे लिए ही नहीं, इसलिए ब्याज के पैसे लौटाने की खातिर मारी छोरी को 2-3 बार नचवाना पड़ा साहब। माँ इतने अच्छे कपड़े पहन के कहाँ जाने है मरने? ले हो गई तैयार, ले जाए इसे। मस्त लग रही है, जा। वहाँ जाके एकदम अच्छे से रहना। एक बेटी की जिंदगी बचाने के लिए दूसरी बेटी की इज्जत दांव पे लगा दी। हेलो अलावा साहब। जय हिंद। जय हिंद सर। यहाँ सुमन के परिवार वालों से इंटरोगेशन हुआ है, कुछ बातें सामने भी आई हैं, लेकिन उनके मतलब समझ में नहीं आए। जैसे सर? जैसे कि सुमन की माँ कमला पूरी तरह से अपने भाई इंदर पे डिपेंडेंट है। इंदर वहाँ पार्टियों में लड़कियों को नचवाने का काम करता है, तो हो सकता है इंदर ने अकेले या फिर कमला के साथ मिलकर ये कांड किया हो। दूसरी तरफ सुमन के ससुराल वाले अपने आप को पैसे वाला तो बताते हैं, लेकिन अंदर से हैं खोखले ही, तो उनके पास भी सुमन के साथ ये सब करने का मोटिव तो है। लेकिन दूसरी तरफ वो ये भी बताते हैं कि सुमन का कई लड़कों के साथ अफेयर था,
और सुमन की माँ ने भी प्रभु के ड्राइवर चंदू की पहचान की है। ये तो हमारे गाँव को छोरो चंदू है, स्कूल के वक्त मारे छोरी के पाचे पाचे था। अब आपको वहाँ इस सारी इन्फॉर्मेशन को चेक करना होगा और जो कड़ियाँ मिसिंग है उन्हें जोड़ना होगा। वैसे एकाध परिवार ने सुमन के अफेयर होने की बात की है साहब, लेकिन इस बात का कोई प्रूफ नहीं है कि वो सच बोल रहा है कि झूठ। मेरे ख्याल से अलावा साहब, आप पहले ये पता कीजिए कि सुमन रोहतक कैसे पहुंची, वहाँ वो किसके साथ थी, किसके पास थी। मुझे लगता है उसके आगे की कहानी हमें वहीं से पता चलेगी। जी सर। जैन शिंदे, सुमन के इन-लॉज के कॉल रिकॉर्ड्स हैं ना तुम्हारे पास? यस सर। सभी के कॉल रिकॉर्ड्स चेक करो और पता लगाओ कि जिस डॉक्टर ने सुमन की किडनी निकाली थी इनमें से कितने लोग उसके टच में थे। इसके अलावा ये भी पता लगाओ कि सुमन के अपने गांव और सुमन के इन-लॉज के गांव में से ऐसे कितने लोग हैं जो उस क्लिनिक पे लगातार आया जाया करते थे। अगर रोहतक में भी ऐसा कोई है जो उस डॉक्टर या क्लिनिक से लगातार टच में है तो उसका भी पता लगाना। राइट सर। मने पक्का लगे कि हमें जेल भिजवा के छोड़ेंगे। अरे हमने चोरी की ऐसी हालत तोड़ा की है, पर पुलिस को कौन समझावे, हमेशा चोरी की साइड ले हुए हैं। अरिया चंदू, काफी वक्त से तो उससे मुलाकात करने का मन था पर तूने कभी मौका ही नहीं दिया और आज यहां से भी बिना मिले ही जा रहा था। डर की वजह से या फिर सुमन के साथ जो तूने किया उसकी शर्मिंदगी की वजह से? ना साहब, मैंने सुमन के साथ कुछ गलत काम ना किया और जिन्होंने किया उनको तो आपने छोड़ ही दिया। हमने तो दोनों को छोड़ दिया, उसकी माँ को भी और उसके ससुराल वालों को भी। तो किसकी बात कर रहा है? दोनों की साहब। एक तो उसके ससुराल वाले जिन्होंने उसकी ऐसी आदत कर दी और दूसरी उसकी माँ जिसने उसका जरा सा भी साथ ना दिया। दूसरों पर इल्जाम लगाने से पहले ये बता, तेरा क्या रोल है इस कहानी में? क्या रिश्ता था तेरा सुमन से? सुमन मेरे साथ स्कूल में पढ़ती थी, क्योंकि हमारी क्लास से अलग अलग थी तो स्कूल में कभी बात ना हो पाई। क्या बात है चंदू, तुम्हारे पाचे पाचे क्यों आ रहा है? सुमन, तेरे तक कुछ बात करनी थी। देख चंदू, हमारे पास ये सब के लिए टेम ना है, इप मारा पीछा मत कर। बहुत शरीफ छोरी थी वा साहब, बहुत शरीफ। पढ़ लिख के अपनी माँ का नाम रोशन करना चाहती थी पर उसकी माँ ने उसका ब्याह करवा के उसके सारे सपने तोड़ दिए। बस साहब, जब सुमन का ब्याह हो गया फिर मेरा भी दिल टूट गया, फिर जीने लग गया गाँव में। बस मैंने गाँव छोड़ दिया, लेकिन तकदीर का खेल देखो साहब, सुमन को फिर मेरे सामने ले आई। मैं अपने मालिक के साथ सूरत गया था काम के सिलसिले में, वहां अचानक रास्ते में मैंने सुमन दिखी। अगले ही दिन साहब मैं मुंबई से सीधा वापस सूरत आया सुमन को अपने साथ वापस मुंबई ले जाने के। ए सुमन, देख देख मैं चंदू। ए सुमन, ए सुमन, कहां ले जा रहे हो मेरी छोकरी को? छोड़, जानता मार दूंगा आगे ही तो। किसको दिखा रहे तू? छोड़। मन्ने नहीं पता साहब कि सुमन सूरत कैसे पहुंची। फिर मैं उसने अपने साथ वापस मुंबई ले आया साहब। मन्ने लगा कि अब मैं उसका बहुत ख्याल रखूंगा, उसका इलाज करवाऊंगा। पता ना अचानक क्यों होया, रिक्शा में वो बेहोश होगी। मन्ने लगा कि मर गई। साहब मैं डर के मारे उसने रिक्शा में छोड़ के भाग लिया साहब। पर जब देखा साहब वो थाने से बाहर यूं आ रहे जैसे कुछ होया ही ना, बस साहब फिर मैं तो रह नहीं गया। मैंने लग गया क्या आपने तो छोड़ दिया उन्हें, पर मैं ना छोड़ूंगा। और तो खुद ही जज बन के इंसाफ करने कूद पड़ा, उन पर जानलेवा हमला किया। उन लोगों के साथ तो इस तभी बुरा होना चाहिए था साहब, सड़कों को तड़पा तड़पा के मारना चाहिए था जैसे उन्होंने मेरे सुमन को तड़पाया साहब। उनके साथ क्या होना चाहिए क्या नहीं ये तय करना अदालत का काम है, तेरा नहीं। ये उन लोगों की लिस्ट है जो उस क्लिनिक से रेगुलर टच में थे और उनका वहां आना जाना था। राम नरेश। जी सर। जिस डॉक्टर ने सुमन की किडनी निकाली थी उसने भी हमें कुछ ऐसे ही नाम बताया था ना? एक आदमी उसे लेकर आता था, उसका नाम राम नरेश था। राम नरेश जो सुमन को उसके पास लेके आता था?
के जगह है? वो सब जानवर पालने की जगह है। जानवर पालने में बहुत मेहनत लगे है, इसलिए बहुत पहले ही बेच दिए सारे जानवर। सुमन के घर वालों ने काफी पैसा ले रखा था मुझसे जनाब, वो कर्जा दे नहीं पा रहे थे तो उसके बदले में सारे खेत मेरे नाम कर दिए, पर इससे मेरा आधा ही पैसा मुझे मिला। आधे के बदले में उन्होंने सुमन को मेरे पास लाके बेच दिया। उसका पति वो हरियाई उसे लेकर आया था मेरे पास। पर जनाब जब वह मेरे पास आई थी तो पहले से उसकी हालत बहुत खराब थी, पूरे बदन पे जले और कटे के निशान थे। पर उसके बावजूद तुझे उस पर रहम नहीं आया, पहले तूने उसका खून बेच बेच के पैसा कमाया और फिर तूने उसकी किडनी भी बेची। मेरा पीछा निकलता था जनाब, वो पीछा तो निकालना ही था। उसके बाद ऑपरेशन के बाद हमने उसका बहुत ख्याल रखा, पर जैसे ही उसकी तबीयत थोड़ी ठीक हुई। ये अपने आप किसी काम के नहीं, लिहाजा फेंक इसको बाहर। शायद मेरे आदमी ने उसे किसी को बेच दिया होगा। उसके बाद मैंने ना पता उसका के होया के नहीं। तुझे कैसे पता होगा, तेरा कर्जा तो चुक गया ना, लेकिन अब सुमन का बहुत कर्जा चढ़ गया तुझ पर, जिसे तू जिंदगी भर चुकाएगा जेल में रहकर। बुलावा आया तेरा मुंबई से, डाल दे इसने गड्डी में। अरे साहब चल जल्दी। अरे कैसा जुलम कर रहे हो आप। सुमन के हाथों पर भी हमें ऐसे ही निशान मिले थे जैसे तेरे हाथ पे। कैसे पड़े ये निशान? तुम्हारे घर के जानवरों के बाड़े में से हमें एक रस्सी मिली थी, लेकिन वहां जानवर तो थे ही नहीं, किसे बांधते थे वहां? देख सुमन को तो हम इंसाफ दिला के रहेंगे और तुझसे भी सच उगलवा ही लेंगे, पर फिर भी तुझे एक आखिरी मौका देना चाहता हूँ। सुमन की हालत तो तूने देखी है, और तू ये भी अच्छी तरह से जानता है कि सुमन की वो हालत तेरे और तेरे घर वालों की वजह से हुई है। अब सच सच बता दे वरना। के बोलू साहब जी, सुमन को घना ही परेशान करते थे मेरे घर वाले। नौकरानी बना के रख दिए थे, दिन रात सब काम करती थी, कभी भी मार खाती थी बेचारी। घर में किसी के पास इतनी हिम्मत ना थी कि कोई ताऊ और ताईजी के सामने अपनी जबान खोल सके, मारे में भी ना थी सारी। फिर सुमन परेशान होकर बिना किसी को बताए अपने माँ के घर चली गई, लेकिन उसकी माँ दोबारा सुमन को हमारे दरवाजे पे छोड़ गई। ताऊ ने तो घुसने दे दिया। तू माँ के पास ना जा पाएगी और ना वो यहाँ आ पाएगी। चीख चीख तू जितना चीख। रुक, तेरी घर में निकालता रुक। हमारे घर में जब भी कोई गलती करता था तो उसे बाड़े में बांध दिया जाता था, रात भर रखते थे और सुबह खोल दिया करते थे, लेकिन सुमन को तो। मारे अपने भाई और चाचों ने मिड़कर इज्जत लूटी थी उसकी, सारी रात खून खोल रहा था हमारा सुमन की हालत देख के साहब। लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उनके खिलाफ कुछ बोल सकूं, और उसके बाद उन्होंने इसे धंधा बना लिया साहब। रोज रात को गांव से न जाने कहां कहां से लोग सारी रात सुमन के साथ। लेकिन जब सुमन का पाव भारी हो गया साहब, तब उन्होंने गांव से दाई बुलाकर उसकी सफाई करवा दी।
जब दाई ने कहा कि सुमन के अंदर गड़बड़ है, उसे अस्पताल लेके जाना पड़ेगा, तो सब घबरा गए साहब। उनको लगा कि सबको पता ना चल जाए, वो लोग उसे मार के गाड़ देना चाहते थे। मैं सुमन को बचाना चाहता था साहब। हमारे दिमाग में एक ही रास्ता आया। हमारे गांव में जब भी कोई किसी से कर्जा लेता और उसे चुका ना पाता, तो अपनी छोरी या लुगाई को देकर उस कर्जे को चुका देते थे साहब। हमारे परिवार पर राम नरेश का कर्जा था साहब, तो मैंने ताऊजी से कहा क्यों ना हम सुमन को राम नरेश को दे दे, इससे हमारा कर्जा भी उतर जाएगा और सुमन का खतरा भी ना होगा साहब। उसे बचाने का और कोई रास्ता ना था साहब मेरे पास। अगर मैं ऐसा ना करता तो ताऊजी और बाकी सब घर वाले उसे पक्का मार देते। जीजी उठ ना जीजी, तने याद है जीजी कितनी मस्ती किया करते थे हम एक साथ। जीजी बोलना बोलना जीजी। रुक, कितनी बार समझाया तुझे चोरी करना अच्छी बात नहीं है, समझ नहीं आता तने? परिया अमरूद कितने मीठे हैं, अगर हम थोड़े तोड़ ले तो कोई देखेगा थोड़ी ना। लेकिन भगवान तो देख रहे हैं ना, चोरी करनी अच्छी बात नहीं है। चल अभी। तूने तो कभी एक अमरूद भी ना तोड़ा, फिर इतनी सख्त सजा क्यों दी भगवान ने जीजी? अगर आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो हमारे देश में लगभग 400 बच्चे और महिलाएं रोजाना लापता होते हैं, जो ना सिर्फ गांव से होते हैं बल्कि इनमें से एक बड़ा हिस्सा शहरों से भी होता है, जहां की स्मार्टफोन्स और जीपीएस जैसे कई माध्यम हमारी सुरक्षा में मददगार होते हैं। ये साफ है कि सुरक्षा का कोई भी साधन हमारी मदद तभी कर सकता है जब हम खुद अपनी और अपनों की सुरक्षा को लेकर अलर्ट हों, चौकन्ने हों। ये बेहद जरूरी है कि हम किसी पर भी बहुत सोच समझ कर भरोसा करें और अपने तरीके से ये भी जांच करें कि वो व्यक्ति हमारे यकीन के काबिल भी है या नहीं, ताकि हम अपने आप को और अपनों को ऐसे धोखे से बचा सकें जिसका शिकार सुमन और उसकी माँ बनी। सुमन को इस हालत में पहुंचाने के लिए जिम्मेदार रहे किसी भी शख्स को बख्शा नहीं गया। कानून ने बिना कोई रहम दिखाए उन्हें उनके किए की सजा दी, लेकिन जिन लोगों को बिना किसी गलती के सजा भुगतने पर मजबूर होना पड़ा वो थी सुमन, उसकी माँ और उसकी छोटी बहन। सुमन आज भी मुंबई के हॉस्पिटल में कोमा में है और उसकी बहन और उसकी माँ उसके सिराने बैठकर दिन रात इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि वो कब होश में आए और वो उसे अपने साथ गांव ले जा सके, टूटी हुई जिंदगी के तानों बानों को फिर से जोड़कर जिंदगी को आगे बुन सके। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100 सबक 1 को सी हम सबको। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।